हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप वी आर वेरी वेल एट होम। बेटे आज हम लेसन नंबर 6, वी आर लर्न अबाउट सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। सेफ्टी एंड फर्स्ट एड बुक्स के बारे में और सेफ्टी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। सेफ्टी होता है बेटा बचाव, सेफ्टी का मतलब बचाव, फर्स्ट एड का मतलब होता है प्राथमिक चिकित्सा, मतलब डॉक्टर किससे जो हम इलाज करवाते हैं उसको बोलते हैं। इसके अंदर क्या दे रखा है हमारे को कि ईच पिक्चर बिलो इन अबाउट ए रूल, जो नीचे पिक्चर गिवन है ना आपको, वो अबाउट ए रूल, रूल के बारे में है, दैट वी शुड फॉलो ऑन द रोड, जिनको आपने रोड के ऊपर फॉलो करना है। क्या बोल रही हूँ मैं, ध्यान से सुनो बेटा, आपकी डेली लाइफ में भी ये चीज़ें यूज़ होती हैं कि ईच पिक्चर बिलो इज अबाउट ए रूल। हर एक जो पिक्चर नीचे दी गई है आपको, ये पिक्चर नीचे जो गिवन है दी है, ये किसके बारे में? रूल के बारे में है, दैट वी शुड फॉलो ऑन द रोड, जिसको आप रोड पे फॉलो कर सकते हैं। चूज द रूल, आपने रूल सेलेक्ट कर लिया है, फ्रॉम द ऑप्शन गिवन दैट करेक्टली गोज विद ईच पिक्चर, और पिक्चर के नीचे लिखना है कि किसका क्या आंसर आएगा। राइट द रूल्स इन द रेक्टेंगुलर ब्लैंक स्पेस, आपको रेक्टेंगुलर टाइप में एक ब्लैंक स्पेस दिया गया है बिलो द रिस्पेक्टिव पिक्चर, उस पिक्चर के नीचे दिया है ना, इसके अंदर आपने फिल करना है, जैसे मैंने फिल किया हुआ है। आप बेटे ध्यान से अपने आप फिल करोगे कि किसका क्या आंसर आएगा। ऑप्शन आपको नीचे गिवन है, ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, फॉलो ट्रैफिक साइन, इंडिकेट बिफोर टर्निंग, डू नॉट थ्रो, मैंने लिख रखे हैं, लेकिन आप कोशिश करना कि आप अपने आप फिल करो। किस लिए? ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, और दूसरा कि आपको पता लग जाए कि हमें कौन कौन से रूल फॉलो करने चाहिए, ठीक है, ये आप अपने आप फिल करोगे। नेक्स्ट में दे रखा है कि वी शुड ऑलवेज बी केयरफुल अबाउट आवर सेल्व्स एंड सराउंडिंग्स, हमें क्या है, हमेशा ही सतर्क रहना चाहिए हमारे बारे में और अपने चारों ओर के बारे में। इफ़ वी कीप द सेफ्टी रूल्स इन माइंड वी कैन अवॉइड इंजरीज, यदि हमें किसी तरह का कोई सेफ्टी रूल यानी कि बचाव का जो तरीका है वो हमारे दिमाग में है, वी कैन अवॉइड इंजरीज, जो कि हमारे क्या है, जिसकी वजह से हमारे को क्या, चोट से बचा जा सकता है, वो हमें फॉलो करना चाहिए। वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट, हम पहले से ही पढ़ चुके हैं, रूल पीछे कर लिए ना बेटा आपने, कि आपको कैसे, अगर आप पिक्चर के नीचे वाले जो ब्लैंक है वो खुद फिल करोगे तो आपको रूल आ जाएंगे। उसके बाद में बता रखा है कि वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द सेफ्टी रूल, पहले ही हमने ऑलरेडी हमने ये सेफ्टी रूल पढ़ लिए हैं, दैट वी शुड फॉलो ऑन द रोड, जिसको हमने रोड पे फॉलो करना है, इन द स्कूल में फॉलो करना है, स्विमिंग पूल पे, ड्यूरिंग फेस्टिवल पे फॉलो करना है। उसके बाद उतर के सेफ्टी फ्रॉम फायर, आग से किस तरीके से बचा जा सकता है, या आग से बचने के, या आग से बचाव कैसे रखा जा सकता है उसके बारे में। फायर इज एन एक्सीडेंट दैट कैन टेक प्लेस ड्यू टू वेरियस रीजन, आग का कई बार घटनाएँ हो जाती है कई रीजन्स की वजह से। इफ़ वी नो द पॉसिबल, जो हमारे लिए संभावित नहीं हो सकती आग, जो किसी भी तरह की कोई भी कारण जो है हम सोच नहीं सकते, देन वी कैन बी मोर केयरफुल, उसको भी लेकर हमें क्या रहना चाहिए, केयरफुल रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। मेन रिसोर्स, मेन रीज़न फॉर फायर, मेन रीज़न दिखा रखे हैं कौन कौन से हो सकते हैं, केयरलेसनेस वाइल हैंडलिंग द बर्निंग मैचस्टिक, जलती हुई अगर आग की तीली हमारे हाथ में है तो वो हमारे लिए क्या है, लापरवाही है, हमें कभी भी जलती हुई तीली को हाथ में नहीं लेना चाहिए, हाथ में नहीं पकड़ना चाहिए, ना ही कभी मैच स्टिक से हमारे को उस तीली को जलाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है केयरलेसनेस वाइल कुकिंग, हमें जो है किसी भी तरह की खाना बनाते थे लापरवाही नहीं करनी चाहिए, कि गैस का जो वो स्टोव है वो उसको ऑन रख दिया, गैस लीकेज हो रही है, इस तरह की कोई लापरवाही नहीं करनी चाहिए। गैस लीक इन द किचन, अगर किचन के अंदर गैस लीक हो रही है तो ये हमारी लापरवाही है। डिफेक्ट इन इलेक्ट्रिकल वायरिंग, अगर कोई भी वायर है वो डिफेक्ट हो चुकी है, कट हो चुकी है, क्रैक हो चुकी है, यानी उसमें खराबी हो चुकी है। ओल्डर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस एंड एक्सटेंशन कोर्ड, अगर पुराना कोई भी इलेक्ट्रिकल औजार है, इलेक्ट्रिकल मतलब आपका स्विच है, प्लग है, तो उसको लेकर के, और एक्सटेंशन कोर्ड वो होता है बेटा जिसमें आप लोग क्या बोलते हो, घरों के अंदर होता है ना गोल सा वाइट से कलर का, जिसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ें यू लगा सकते हो, प्लग लगा सकते, बहुत सारे स्विच लगा सकते हो और बहुत सारे प्लग बने हुए होते हैं, उसको बोलते हैं एक्सटेंशन कोर्ड, तो अगर वो है तो उसको ध्यान से यूज करना चाहिए। यूजिंग टू मैनी प्लग इन
वन सॉकेट, अगर एक ही सॉकेट में देखो जो सॉकेट बनी हुई दिखा रखी है, एक ही सॉकेट के अंदर बहुत सारे प्लग लगाने हैं तो वो भी एक तरीके से हमारे लिए क्या है, गलत बात है। एक साथ हमारे को बहुत सारे, क्योंकि उसमें शॉर्ट सर्किट हो सकता है जिसकी वजह से कोई भी नुकसान हो सकता है। आगे देखिए बेटा, वे टू एक्सटिंग्यूज फायर, यानी कि हमारे को आग से जो बचने के तरीके हैं उसको लेकर के बताया गया है। इन केस द क्लोथ्स ऑफ ए पर्सन कैच फायर, किसी केस में जब कोई पर्सन को आग लग जाती है, वी शुड स्टॉप, हमें उसे रोकना चाहिए, ड्रॉप एंड रोल, उसको ड्रॉप ढकना चाहिए एंड रोल करना चाहिए। ए फायर ब्लैंकेट, यानी कि ये क्या करना चाहिए, फायर ब्लैंकेट लेना चाहिए जिससे आग बुझाई जा सके, और वाटर कैन बी यूज टू कंट्रोल द फ्लेम्स आफ्टर ड्रॉपिंग एंड रोलिंग, उसको ढकने के बाद, उसको बंद करने के बाद उसके ऊपर पानी डाल देना चाहिए। इन केस द फायर इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ डिफेक्टिव इलेक्ट्रिकल वायरिंग, यानी उस केस के अंदर जिसमें क्या है कि इलेक्ट्रिकल जो वायर है वो कहीं से डिफेक्ट हो चुकी है, तो वी शुड पुट ऑन द फायर यूजिंग, हमें उस चीज़ को यूज़ नहीं करना चाहिए, एंड सेंड ऑन ए फायर एक्सटिंग्यूशर, यानी कि जो आग बुझाने वाला है उसको बुलाना चाहिए अगर इस तरह से आग लग जाती है किसी वायर की वजह से। अच्छा, नेवर पुट आउट इलेक्ट्रिकल वायर विद वाटर, पानी कभी नहीं डालना चाहिए किस पे, वायर पे, इलेक्ट्रिकल वायर पे कभी पानी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि उससे क्या आ जाता है, करंट आ जाता है हमारे अंदर। और फायर एक्सटिंग्यूशर प्लेज ऑन एन इम्पोर्टेंट रोल इन पुटिंग आउट फायर, आग को बुझाने में एक्सटिंग्यूशर है वो सबसे, फायर एक्सटिंग्यूशर सबसे बड़ा रोल निभाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, इन केस द फायर कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय अस, इस केस के अंदर फायर कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, यानी कि आग को कंट्रोल नहीं किया जाता है, तो वी शुड कॉल द फायर ब्रिगेड, आपको फायर ब्रिगेड वालों को कॉल करना चाहिए उनके ऑफिस में, या फिर अगर आपके पास उस गाड़ी का अगर नंबर है तो उसको भी कॉल कर सकते हो आप, ताकि वो जल्दी से आके आग को बुझा सके। आई होप आप लोगों को ये लेसन समझ आ गया होगा, ये आपके डेली लाइफ से जुड़ा हुआ लेसन है, इसको ध्यान से पढ़ना है और 2-3 बार इस वीडियो को देखना भी है, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, समझ आ जाए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस।